गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन इन हाइड्रोफाइट्स। जलोद्भिद पौधों में पाए जाने वाले आकार के अनुकूलन। आज के इस लेक्चर में हम तने में किस प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं जिससे कि जलोद्भिद पौधे अपने आप को पानी में रहने के लिए समर्थ बना पाते हैं। तो पहला है कि जो अलग अलग तरीके के हाइड्रोफाइट्स होते हैं, तो जो सबसे पहले जो सबमर्स्ड हाइड्रोफाइट्स होते हैं, सबमर्स्ड का मतलब होता है वो हाइड्रोफाइट, वो जलोद्भिद पौधे जो कि पानी के नीचे रहते हैं, जिनका वायुमंडल से कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं होता, जो पानी की सतह के नीचे रहते हैं वो हाइड्रोफाइट सबमर्स्ड हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। चूंकि ये पानी की सतह के नीचे रहते हैं इसलिए इनका जो तना होगा वो लंबा होता है, लॉन्ग होता है। इनमें सबमर्स्ड हाइड्रोफाइट्स में स्टेम तना लंबा होता है, सिलेंडर होता है एवं स्पंजी होता है। स्पंजी इसलिए होता है जिससे कि उनको बायोन्सी प्रोवाइड कराता है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, मतलब लचीला होता है, तना जो होता है लचीला होता है। उसका कारण ये है कि जैसे ही पानी की जो धाराएं होंगी, मान लीजिए तना है सिलेंड्रिकल है, तो पानी की जैसे धारा होगी फ्लेक्सिबल होगी, जैसे इस साइड करेंट आएगी तो वो अपने आप को उस धारा को वाटर करंट से अपने आप को रजिस्ट कर पाएगा फ्लेक्सिबिलिटी से। तो सबमर्स्ड हाइड्रोफाइट्स के अंदर स्टेम के अंदर कैसा होता है, लॉन्ग लंबा सिलेंडर स्पंजी एंड फ्लेक्सिबल। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रिला एवं पोटामोजिटोन ये सबमर्स्ड हाइड्रोफाइट्स के उदाहरण है, इनके अंदर इनका तना इस प्रकार का होता है। नेक्स्ट होते हैं फ्री फ्लोटिंग फॉर्म्स। फ्री फ्लोटिंग फॉर्म्स वो हाइड्रोफाइट्स होते हैं जो कि पानी की सतह के ऊपर अपने आप को फ्लोट करते हैं, ठीक है। इस तरीके के हाइड्रोफाइट जो अपने आप को पानी की सतह के ऊपर रखते हैं, जिनका वायुमंडल से एवं पानी से दोनों से ही संपर्क रहता है, उनको हम बोलते हैं फ्री फ्लोटिंग फॉर्म। इनके अंदर जो स्टेम होता है वो थिक होता है, शॉर्ट होता है, छोटा होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको वाटर, क्योंकि वो सरफेस के ऊपर ही अपने आप को फ्लोट करवाते होते हैं, इसलिए उनको वाटर करंट से रजिस्ट नहीं करना पड़ता, इसलिए बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता है, छोटा होता है। और इनकी जो स्टेम होती है वो पानी की सतह के ऊपर, जैसे ये वाटर है, तो इनकी जो स्टेम होगी वो इस तरीके से होगी जो पानी की सतह पर हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड रहेगी और फ्लोट करती रहती है। फॉर एग्जाम्पल अजोला एवं आइकोर्निया, इनके अंदर इस तरीके का तना पाया जाता है। थर्ड है रूटेड विथ फ्लोटिंग लीव्स। इनके अंदर जो फ्लोटिंग लीव्स होंगी, मतलब क्या है, जो पानी के अंदर सतह जो इनकी लीव्स होंगी वो पानी के ऊपर रहेंगी और उनके अंदर रूट्स पाए जाएंगे। ऐसे हाइड्रोफाइट को बोलते हैं रूटेड विथ फ्लोटिंग लीव्स, जैसा कि हमारा कमल हो गया। इनकी जो स्टेम होती है वो राइजोम्स होती हैं, जो राइजोम्स होती हैं इस तरीके से होंगी, स्टेम नीचे से राइजोम, ऊपर से रूट्स निकल जाएंगे मटने और ऊपर से इस तरीके से लीव्स निकलती है, ठीक है। तो जो रूटेड विथ फ्लोटिंग लीव्स होते हैं उनकी स्टेम राइजोम प्रकार की होती है। हाइड्रोफाइट्स की जो स्टेम होती है, जैसे आइसोइडीज नवेलिस नेरिया में, इनका जो तना होता है वो ट्यूबरस होता है, कॉम लाइक होता है। ये देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है कॉम लाइक ट्यूबर लाइक, ये स्टेम है, आइसोइडीज का संरचना है ये इसकी सबमर्स्ड लीव्स है और इन स्टेम से मड में रूट्स निकलती है। तो इस प्रकार की अलग अलग तनों में हाइड्रोफाइट्स के अनुकूलन पाए जाते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन इन लीव्स ऑफ हाइड्रोफाइट, जलोद्भिद पौधों की पत्तियों में पाई जाने वाली आकार की अनुकूलन। पहला है सबमर्स्ड हाइड्रोफाइट, वो जलोद्भिद पौधे जो कि पानी की सतह के नीचे पाए जाते हैं उनकी पत्तियां इस प्रकार की होती हैं। सबमर्स्ड हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं वो पतली होती हैं, बहुत ज़्यादा लचीली होती हैं, क्योंकि जो वाटर करंट होता है उसे उनको रजिस्ट करना पड़ता है। तो लीव्स ऑफ लॉन्ग लॉन्ग मतलब लंबी होगी, थिन होंगी, बहुत ज़्यादा पतली होंगी और रिबन शेप की होती है, जैसे वाले सीरियल होते हैं इस तरीके से होती है, रिबन शेप की इसमें पत्तियाँ पाई जाती हैं।
और रिवर्स शेप क्यों होती है, जिससे कि वो पानी की जो धारा है उसे अपने आप को रेजिस्ट करता है, फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो वो वाटर करंट को रेजिस्ट कर पाएगी। अगर बहुत ज्यादा मोटी होंगी अगर पत्तियां तो वो वाटर करंट से ब्रेक हो सकती है। इसलिए समस्त हाइड्रोफाइट्स की लीव्स लॉन्ग थिन और रिबन शेप की होती हैं। एग्जांपल है इसका पेनिसिलिया। कुछ कुछ जो समस्त हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती है वो फाइनली डेसिकेटेड होती है। डेसिकेटेड मतलब होता है जो लीव लैमिना होता है वो इस तरीके से कटाफटा होता है, जैसे ये देखिए लीव है इसमें ही कट रही है। इस प्रकार की जो लीव्स होती है उनको बोलते हैं डेसिकेटेड। इसका एग्जाम्पल है सेरेटोफाइनम। इसके अंदर जो लीव्स होती है बहुत ज्यादा डेसिकेटेड होती है, वो इस वजह से हो जाती है क्योंकि बच्चों जब पानी की धारा आती है तो उससे पत्तियां अपने आप को ब्रेक ना कर पाए, अगर कटी पट्टी रहेंगी तो पानी उधर से निकल जाएगा। थर्ड है लीव्स आर जनरली ट्रांसलूसेंट, क्योंकि वो पानी के नीचे होते हैं समर्स हाइड्रोफाइट्स तो उनकी पानी लीव्स को बहुत ज्यादा अमाउंट में लाइट नहीं मिल पाती है, इस वजह से इनकी जो लीव्स होती है वो ट्रांसलूसेंट होती है। नेक्स्ट है फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स वो हाइड्रोफाइट्स होते हैं जो कि पानी के सतह पर तैरते रहते हैं। तो इनमें जो फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स होंगे, मतलब कि फ्री फ्लोटिंग मतलब जिनमें रूट्स नहीं पाई जाती हैं, उनके जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती हैं वो गुच्छों में पाई जाती हैं। लीव्स आर फाउंड इन क्लस्टर, एक साथ में बहुत सारे गुच्छों में पाई जाएगी। उसके अलावा उनके जो पीटियोल होगा, लीव्स के में जो पीटियोल होता है वो कैसा होगा, स्पंजी होगा। स्पंजी इसलिए होता है जिससे कि उसको उपलब्धता बारंबार से प्रोवाइड कर सके और वो आराम से तैर सके। जबकि जो रूटेड विथ फ्लोटिंग लीव्स होते हैं, जैसे हमारा नीलम्बो हो गया, इसके अंदर क्या होता है, नीचे रूट्स होती हैं और जो लीव्स होती हैं वो वाटर के सरफेस पे फ्लोट करती रहती हैं। इस प्रकार के रूटेड विथ फ्लोटिंग लीव्स में हाइड्रोफाइट्स में जो पत्तियां होती हैं वो बहुत ज्यादा बड़ी होती हैं, लार्ज होती है। आपने कभी कमल की पत्ती देखी हो, वो बहुत बड़ी होती हैं, फ्लैट होती हैं, एंटायर मतलब कहीं से कटी फटी नहीं होती, उनकी लीव में ना बिल्कुल एंटायर होगी। उनके ऊपर वैक्स की कोटिंग पाई जाती है, जो लीव होती है उसके ऊपर सरफेस पे वैक्स कोटिंग होती है। वैक्स कोटिंग इसलिए होती है जिससे कि जो लीव होती है वो सड़े और गले पानी से, ठीक है। और इनके जो पीटियोल्स होते हैं रूटेड विथ फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स के, उनके जो पीटियोल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा लंबे और फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीले होते हैं, जिससे कि जो लीव है वो अपर सरफेस पे आराम से फ्लोट कर सके। नेक्स्ट है इमर्जेंट हाइड्रोफाइट। इमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स को हम एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। इमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स वो हाइड्रोफाइट्स होते हैं जिनमें इट्रोफिलिक पाई जाती है। इनकी जो लीव्स होती हैं वो इट्रोफिलिक यानी विषमपर्णीता, दो प्रकार की लीव्स इनके अंदर पाई जाएंगी। क्योंकि जो पानी के नीचे जो लीव्स होंगी वो समर्स फ्लोटिंग लीव्स होंगी और जो ऊपर जो पानी से ऊपर जो निकली रहती है वो एरियल लीव्स होती है। देखिए ये जो नीचे पानी के अंदर है ये सेजिटेरिया है एवं रैनिकुलस इमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स के एग्जाम्पल हैं। इनके अंदर क्या होता है, जो लीव्स होती हैं इनके आधे स्टेम जो होती है वो पानी के अंदर होती है और आधे स्टेम ऊपर होती है। तो जो ऊपर वायुमंडल में जो स्टेम होती हैं उन पे जो लीव्स होंगी उनको हम बोलेंगे एरियल लीव्स, और जो पानी के अंदर जो स्टेम है उस पे जो लीव्स होंगी वो कहलाएंगे सबमर्स्ड फ्लोटिंग लीव्स। तो देखिए ये स्टेम होगी स्टोलन, इससे जो पानी के अंदर जो लीव्स हैं ये वाली है सबमर्स्ड फ्लोटिंग लीव्स, और जो पानी के बाहर हैं उनको हम बोलते हैं एरियल लीव। तो ऐसे हाइड्रोफाइट्स जो जिसमें दो प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं, हम ऐसे लीव्स को प्रोसेस को बोलते हैं लिट्रोफिलिक विषमपर्णीता। ये क्यों पाई जाती है, एक तरीके से अनुकूलन है क्योंकि जो एरियल लीव्स होंगी वो अलग तरीके से अडेप्ट होती हैं, जबकि पानी के अंदर जो लीव्स होंगी वो अलग तरीके से अडेप्ट होंगी। थैंक यू।